दोस्तों अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म बेल बॉटम 3D में रिलीज़ होगी, इस बात का जो खुलासा था अक्षय कुमार ने कर दिया। इसके बाद ही दोस्तों अक्षय कुमार ने बेल बॉटम का नया पोस्टर शेयर करते हुए इसके ट्रेलर की रिलीज़ डेट भी दे दी थी, जो कि है आज। जी हां दोस्तों, मंगलवार के दिन आज ये ट्रेलर हम सबके सामने आने वाला है और ये पूरी की पूरी फिल्म हमारे सामने 19 अगस्त को सिनेमा घरों में आएगी 3D में। हम दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे ट्रेलर कितने बजे आने वाला है और साथ ही साथ फिल्म की रिलीज डेट 19 अगस्त क्यों रखी गई और इसे अचानक से 3D में क्यों बदला गया। दोस्तों पहले आपको बता दें कि इसे अचानक से 3D में इसलिए बदला गया क्योंकि दोस्तों इस फिल्म के लिए दर्शकों को अब सिनेमाघर ही जाना पड़ेगा, OTT पर आप इसका मजा नहीं ले सकते हो 3D में। इसीलिए मेकर्स ने सोचा कि वापस से दर्शकों को सिनेमाघर की ओर कैसे आकर्षित किया जाए, तो इसके लिए 3D एक सबसे बढ़िया जरिया है क्योंकि 3D का मज़ा किसी भी हाल में घर पर नहीं आ सकता। ऐसे में सिनेमाघर का चक्कर लगाना पड़ ही जाएगा अक्षय कुमार के फैंस को और इसका कलेक्शन भी अच्छा खासा हो जाएगा। 19 अगस्त तारीख इसलिए रखी गई है दोस्तों क्योंकि 19 अगस्त से महाराष्ट्र में भी सिनेमाघर खुल जाएंगे और ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। वहीं दोस्तों आज ये फिल्म अपने ट्रेलर लॉन्च के दौरान अक्षय कुमार एंड टीम दिल्ली में मौजूद होगी और दिल्ली में PVR में अक्षय कुमार ही आज सभी सिनेमाघर खोलने की घोषणा करेंगे और बेल बॉटम की रिलीज डेट भी बताएंगे। बात रही ट्रेलर की तो दोस्तों आज ये ट्रेलर पूजा एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर अराइव होने वाला है 12 बजे। जी हाँ दोस्तों, आज दोपहर 12 बजे ये ट्रेलर आपको देखने को मिल जाएगा। स्टार कास्ट की बात करें बेल बॉटम में तो अक्षय कुमार हैं और उनके साथ वाणी कपूर, हुमा कुरैशी, लारा दत्ता जैसे एक्टर हैं। वहीं दोस्तों आपको बात करें फिल्म के डायरेक्टर की तो वह रंजीत तिवारी और प्रोड्यूसर है जय भगनानी। जी हां दोस्तों, काफ़ी अच्छी ये जोड़ी है, देखना होगा कि फिल्म के अंदर कितना धमाका होता है। 1980s की ये एरा को दिखाएगी, स्पाय थ्रिलर फिल्म है, सच्ची घटना पर आधारित है, प्लेन हाईजैक की कहानी है। तो दोस्तों बेल बॉटम से जुड़ी और भी कहानी के लिए वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, देखो देखो ताकि आपको आने वाली हर खबर यहाँ मिल जाए सबसे पहले।